हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत कौर बोल रही हूँ गुजरात इंडिया से, फ्रॉम द चैनल माइंड हिप्नोटिज्म। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ हग इन लाइफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे हग का क्या इम्पोर्टेंस, वो सबको पता है, सब लोगों को पता है हग कैसे करना है ये वो। नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बताना चाहती, मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हग बहुत ही एक कहते हैं ना, भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज बनाई है, जिससे क्या होता है कि हम वर्ड्स भी यूज नहीं करते हैं और दो इंसानों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बना रहता है। बिना वर्ड्स के भी काफी कुछ दो इंसान एक दूसरे को कह देते हैं जब वो हग करते हैं। बेसिकली हम हग तब करते हैं जब किसी को बहुत वक्त के बाद मिलते हैं, या हमें किसी पे बहुत प्यार आता है तब हम हग करते हैं। डेफिनेटली तब हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप सोचो कि जब हम छोटे होते हैं तब अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ी सी ऐसे रिवर्स में जाइए कि जब हम छोटे होते हैं तो हम जब भी एक्साइटमेंट में होते हैं तब अपने मम्मी पापा को हग करते हैं, कभी सैड होते हैं रोते हैं तब भी अपने पेरेंट्स को हग करते हैं, और कभी काल को हमारे पेरेंट्स हमें डांट भी देते हैं, हमें बुरा लगता है, लेकिन जब वो हमें हग करते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं। ये चीज हम सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, लेकिन क्या आपने एक और चीज एक्सपीरियंस की है कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। हमारे पेरेंट्स ओल्ड होते हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम यंग हो रहे हैं, अपने करियर में बिजी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम अपने पेरेंट्स को लव नहीं करते, करते हैं, लेकिन क्या होता है हमारा थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक होता है लाइफ को लेकर, कि अभी हम बड़े हो रहे हैं, हग करना क्या अच्छा लगता है, ये सब सोचते रहते हैं। और फिर ये भी होता है कि हाँ बड़े हो जाते हैं तो कुछ दूरियां बना के रखनी चाहिए पेरेंट्स के साथ। नहीं, भले आप बड़े हो रहे हो, आप रोज ऑफिस से आओ, अपने मम्मी पापा को हग करो, आप देखिए उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी जो पूरी दिन भर की जो थकान है वो पूरी उतर जाएगी। आपके मम्मी पापा अगर साथ नहीं रहते हैं तो आपके जो लाइफ पार्टनर है उसको आके हग कीजिए, आपके बच्चों को आके हग कीजिए, आपके पेट्स को आके हग कीजिए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, आपकी पूरी थकान पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। और अगर स्पेशली हम लोग मम्मी से ज्यादा अटैच होते हैं, और मम्मियां काफी सेंसिटिव होती हैं, भले हम चाहे कितने भी बड़े हो गए, चलो फीमेल्स तो फिर भी हग कर लेती हैं लेकिन मेल्स नहीं करते हैं, तो मैं मेल्स को भी कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपको ऐसा लगे, लो फील हो, कभी भी कुछ भी हो, तो अपनी मदर को जाके एक हग कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज आपको इस दुनिया में लाने वाली वो ही है, वो आपकी एंजल है, लाइफ सपोर्टर है, सब है, तो एक बार करके देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो लोग हीलिंग प्रोफेशन में हैं, जो हीलिंग करते हैं किसी पेशेंट की, हीलिंग करने के बाद अगर आप पेशेंट को हग देते हो तो वो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होती है और वो जल्दी हील कर पाएगा। हग करने से क्या है कि एक अपनापन, एक एनर्जी का गिव और रिसीव का भी होता है, तो इससे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, हमारा जो हार्ट है वो और ब्रॉड होता है, हमें देने की इच्छाएं और बढ़ती हैं, हम एकदम खुश रहते हैं और एकदम स्ट्रेस फ्री रहते हैं हग करने से। आप जितना सबको हग दोगे आप खुद अपनी लाइफ में ये चेंज को फील करोगे, कि ये एक मिरेकल की तरह है, बहुत अच्छे से वर्क करता है और आप दिन भर खुश रहते हो। जस्ट ट्राई इट, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और इसमें से मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। एक लेडी है केरला में, उनको माँ कह के सब बुलाते हैं, सब जो भी प्रॉब्लम्स, जिनकी भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, सब उनके पास जाते हैं। वो क्या करती हैं, वो सबको एक प्योरली हग देती हैं बस, और सब कहते हैं कि उनके हग से ही सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। तो देखिए हग कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो आप इस हग को रोज अपनी लाइफ में ट्राई कीजिए और नए नए एक्सपीरियंस को गेन कीजिए,
डेफिनेटली आपको इस चीज से फायदा होगा। और अपने एक्सपीरियंस को प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि हग करके कैसा लगा, क्योंकि देखिए किसी भी आप बीमार पेशेंट को भी अगर आप हग कर लो ना प्यार से, वो भी अच्छा फील करने लगेगा। आप तो अच्छा फील करोगे ही, सामने वाला भी अच्छा फील करेगा। तो प्लीज ये चीज को ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल माइंड हिप्नोटिज्म को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।